आ गए ना भाई, एक नंबर। यस मजा आएगा अभी, बहुत मजा आएगा। अपने अर्तुल भाई ए कभी ले आ गए। ओहो क्या एंट्री है भाई, कसम से तुर्बुत तो देख। और कड़क, क्या बात है। या मैन, हेलो फ्रेंड्स, यस, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज परम, आई एम हरमन, आई एम मंजोत। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो गाइस, आई होप आपने एपिसोड नंबर 9 देख लिया था। आप कितने ज्यादा मतलब कमेंट में स्पॉइलर्स देते हो यार हैं, मतलब हद होती है यार किसी चीज की। आप बोलते हो यार एर्तरुल आएंगे, कभी ले आएंगे। भाई मैं तो पूरा ताक लगा के बैठा था यार, अभी एर्तरुल कभी ले जाएंगे, कभी ले जाएंगे। एंड तक पूरा पचका हो गया हमारा। अरे वाह, आज जाएंगे शायद से, है ना, कभी ले। फिर कल कल सब मस्त। कितना प्यार करते हो यार आप, कितने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो भाई, दिल इतना खुश होता है ना कसम से। ओए होए होए होए, क्या ही बोलने का मतलब। अभी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो आप, है ना। एंड आप सबको हमने बोला कि हम सीरियस रहेंगे, आप सबने तो कमेंट्स की बाढ़ ला दी हैं भाई, कसम से मजा आ गया। मतलब कोई नहीं, हम वैसे भी अगर आप बोलते भी ना कि सीरियस रहो, हम नहीं रह सकते यार सीरियस। वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्संस मैन, वी कैन नॉट बी सीरियस यार, वी कैन नॉट बी सीरियस, वी विल एंजॉय यार मैन। हमें एंजॉय करना बहुत पसंद है। एंड एक बंदे ने ना, एक नहीं बहुत सारे आप सबने बोला था कमेंट्स में कि अगर जिसको भी एकदम अच्छी वॉइस में, एकदम फुल स्क्रीन में एर्तरुल देखना है, तो आप जाके, है ना, पीटीवी पे देख सकते हो। इधर आप किसका रिएक्शन देखने आते हो, हमारा तीनों का रिएक्शन देखने आते हो, तो हमारा तीनों का रिएक्शन देखो यार। हैं हद है, आपने तो ऑलरेडी देखा हुआ एर्तरुल, हमने तो नहीं देखा है ना। हम तो भाई जी जान से मजा करेंगे। और मैं सीख गया हूँ, तुतकिन 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 तू तकिन तू तकिन तू तकिन। अब मैं सही बोलूंगा, यस। अभी मैं कोजाबाश। हाँ कोजाबाश, कल भी कितने सारे कमेंट्स आए कोजाबाश, मस्त। आप ना प्रोनाउंसिएशन कर करके दिखा रहे थे, बड़ा सही लगा था यार। चलो बढ़िया है, मजा आ गया। पर यार कल का एपिसोड क्या एपिसोड था। कल का नहीं, ये अभी 7 बजे 8 बजे वाला एपिसोड नंबर 9, बड़ा सही एपिसोड था भाई। आप, आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा, बहुत ही ऑसम एपिसोड था। एर्तरुल अपने कबीले वापस आ गए हैं, है ना। एंड वो नोयान से तुर्गुत एंड ऑल ये सब मिले थे, बट थैंकफुली वो उसके चंगुल में फंसे नहीं। बट एर्तरुल कबीले थोड़ी वापस आए। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। एर्तरुल को मिल गए हैं, सॉरी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एर्तरुल मिल गए हैं, तुर्गुत और दोआन अपने भाइयों को मिल गए हैं। अभी आज वो कबीले की तरफ रवाना होंगे, वो देखना है कि वहां जाके क्या करेंगे। और ये भी हमें देखना है कि तुतकिन से एर्तरुल क्या बात करेंगे, जो उसने डिसीजन लिया था अपने बंदों को बाहर निकालने का। तो मजा आने वाला है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसकी बैंड बजेगी, चाहे वो भाई अभी के लिए देखो, जैसे सलजान पहले खराब थी, हम उसको खराब बोलते थे, ठीक है, फिर बाद में अच्छी होगी, हम उसको अच्छा बोलने लग गए। अभी तू तक इन जैसा बिहेव करेगा, हम उसको वैसा बोलेंगे भाई, सीधी सी बात है। हमें मत बोलना कि उसको गलत बोल रहे हो, बाद में अगर ठीक होगा ना, उसकी तारीफों के पुल बांधेंगे हम, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप। और अगर हम ओवर कर रहे हैं तो बता दो यार। नहीं यस। एंड एक चीज देखने वाली है कि वो गुंडोगदू चल रहा है, एंड वो खोजाबाश सभी लोग मंगोल मिलकर वहाँ पे ताक लगा के बैठे हैं, एंड वो वहाँ से आ रहा है, तो देखने वाला होगा उसका क्या होगा। यस, एंड हमजा का क्या होगा, क्योंकि वो नोयान उसको अपने चंगुल में फंसा रहा है, एंड हमजा के बारे में गुंडोगदू भाई एंड बाकी सब लोग बहुत गलत सोच रहे हैं, तो क्या होगा वो भी देखने वाली बात है। वो सीन देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यस या मैन। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर रिएक्शन वीडियो। गुंडोगदू जा रहा है, देख देखने वाला है देख। मेरा भाई ये देखो मंगोलू,
रे बाप रे आ गए है ये। एक नंबर भाई अपना भाई अकेला ही मंगोलों को पछाड़ रहे ना इतने सारे देख। और ये मंगोल इतने ढीले नहीं है बड़े तगड़े बंदे हैं मंगोल भी और खाते भी तो क्या क्या है ओ भाई उतरी ये तो वो लेके आया वो रस्सी सी नहीं होती जिसके आगे गोला बना होता है गोलियां लेके आए देख पैर क्या पकड़ लिया पैर पे लगा के वो खींच उठे दो तो हड्डी ये तो खोजाबाश वो नहीं है और कोई है ये खोजा बस क्या कर रहा है ये खोजा बस ये कर क्या रहा है पर अरे नालायक उसने क्या गुंदोगदू को मारा गुंदोगदू पर फेंक रहा है पता नहीं देखने वाला है तेरी वजह से अरे इसने उसको कैसे मार दिया ये कोजावश क्या अपना बंदा हो गया है क्या ये नंबर बढ़ाने के लिए हाँ नंबर बढ़ाने के लिए ये बंदा अपने नंबर बढ़ा रहा है गुंदोगदू के सामने क्या मार रहा है ना भाई कोजावश तो देख उस शेर गुंदोगदू पे लग गया अरे एक दो जन को पकड़ लेते ना जिंदा भाई शाबाश कोजाबाश शाबाश कोजाबाश कोजाबाश ये देखो ऐसा ऐसा देख रहा है ये भाई खतरनाक है ये सही नहीं है ये टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहा है हाय महालम अरे बाप रे बुखार है एंट्रल की वजह से उनकी चिंता कर रही है ना जल्दी से आ रही है बात कर रही है यार ये गुपचे सटक गई है क्या कुछ भी बोलती है येड़ी हो गई येड़ी कसम से पहले इतनी अच्छी थी अभी पता नहीं इसको क्या हो गया अचानक से ए भाई हड़े आती है कभी कभी लोगों की ये
कभी कभी गोपचे इतनी अच्छी समझदारी वाली लड़की के जैसे बिहेव करती है, और कभी कभी बच्चे जैसे बिहेव करती है, बच्चे जैसे हद होती है भाई। तुरुत अपना भाई अकेला बैठा है। तुरुत ने बहुत कुछ सहा है यार, बहुत मतलब बहुत कुछ। बेचारा पहले सलेबियों की कैद में इतने दिन रहा, इतना टॉर्चर सहा उसने, उसके बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, उसके बाद उसके भाई इर्तुल भाई को इंशाल्लाह हिसाब जरूर लिया जाएगा। बहुत जरूरी है बश। कोचा बश ने कैसे कैसे ये एक्शन क्या क्या मारता है ये हाँ ना बस यार मंगोल भी ना अलग है। और आप बाप देख उसके ही बंदों को मारा हुआ है, देख क्या डेंजर है देख। अरे सारे के सारे खुद के बंदों को घुसा के रखा हुआ है वो भले इंसान है यार ये मंगोलू। तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन दोनों में क्यों निकाला गया था? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती हैं जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती है। तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानती और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। ये टकलू का कांड होगा कुछ मजा आएगी हां दिया इसको भी क्या बता देखते हैं। अरे बाप रे ये क्या लगा रहे इसके काटा वाटा लगाया। अगर तुम सोए या गाफिल हुए तो ये कांटा तुम्हारे गले और
दोस्त हो जाएंगे। अरे बाप रे, जिंदा बच गए तो फिर तुम दोबारा से मेरा इत्तेफाक हासिल कर सकोगे। उसे तुम्हारा पकड़ना हमारे लिए कितना आसान नहीं होगा। उसे हम चारा डालेंगे। कैसे? एक बहुत मजबूत हथियार मौजूद है मेरे पास। हमजा, हमजा है ना इसके पास? ऐसे ऐसे करता रहता बस। नोयान का डांस मस्त है। इसकी आवाज सटक गई डर लाने की। नशेड़ी बन जाता है साउंड सुन के। गोपचे की भी सटकी हुई है देख। पगला गई छोरी, सुधारो इसको थोड़ा, बताओ इसको सही रास्ता दिखाओ। तकिन तो बस सबको सजा ही देता रहता है। कुछ भी बोलती है। वो कहीं नहीं गया है दोलन। हमारे कयाम के खत्म होते ही वो वापस आ जाएंगे। याद रहे वो मेरी औलाद है। उन सब की परवरिश मैंने की है। तो रुबुद की बात करें तो इत्तेहाद के खातिर खामोशी इख्तियार की है इस पर, तो इसका हर किसी मतलब नहीं कि मैं उन्हें फरामोश कर बैठी। हमारे सारे सिपाही हमारे बेटे ही हैं, लेकिन आप लोग मेहमान नहीं हैं यहाँ। उसके सारे कबाई एक जिस्म की तरह हैं। बास लोग हमारे सिपाहियों को सोते भी औलाद की तरह समझते हैं। एक नंबर सलजान, एक नंबर है, कुछ भी बोलो। औलाद ही की तरह समझते हैं। जरा रोटी देना मुझे।
गुंदोगदू रब्बा डेंजर है गुंदोगदू लगे तो पलटा दे अगर हमें ये मालूम ना हो सका कि उसके इरादे क्या हैं तो वो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है कोडिया से खबरों के मुताबिक सुल्तान अलाउद्दीन ने लश्कर को मुनसिब करना शुरू कर दिया है सुल्तान अलाउद्दीन की फौज मौसम सर्मा के अख्ताम से पहले यहाँ नहीं पहुँच सकती बहुत मोहतात रहना होगा हमें उससे पहले अनाज भी जखीरा करना होगा मंगोलों का खौफ जंग से पहले ही हमारे दिलों में बैठ चुका है इसलिए हम लोगों को अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है उस लड़ में किया गया फैसला सही नहीं होगा नोयान पर अगर हम चढ़ाई कर दे तो नोयान दूध पीता बच्चा नहीं बगैर तैयारी के कोई भी कदम हमें तबाह कर सकता है हमारी माएं हमारी बीवियां हमारी बहनें उनके हाथ की रकम बच जाएगी वो हमारे खेमे चला कर राख कर देंगे इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अकलमंदी से काम लें सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर के आने का इंतजार करेंगे हलीमा सुल्तान को क्या हुआ सही कहा बात सच जो सुनाया वो सच हो
हलीमा सुल्तान, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है ना, बुखार है उनको बहुत ज़्यादा तेज। उनको विश्वास है कि अर्तुरुल जिंदा है, बहुत अच्छी बात है, सच्ची विश्वास है उनको। इनके ऊपर दुख के दुख पहाड़ आई जा रहे ना, कभी कोई कभी कोई। कितने सारे मिसाइल का सामना करना पड़ेगा यार, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार। सही बात है, अभी जा रहे हैं ना कबीले, मजा आएगा। तुमने जिंदगी बचाई मेरी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और जब एंट्री होगी उनकी तो कितना मजा आने वाला है अभी कसम से। देखती है और हमें दिखाती है, बहुत मजा आएगा। और फना भी कर डालती है वो, हम इंसान तो बस उसकी इताअत गुजारे। सही बात है, बहुत अच्छी इंसान है। आओ जवान चली। चलो सब खुश हो जाएंगे, चलो कबीले की तरफ। क्या बात है, अब भी मजा आएगा। ये गोपचे के पीछे पड़ी हुई है। काहे की औरतों की
सज्जन सर्जेंटिक सुना है कि बसंतीनी खवातीन हमारा छापने वाला कपड़ा और लिबास बहुत शौक से पहनती हैं। कारवा के कारवा कोनिया और अर्से रूम से आते हैं वहाँ तिजारत करने के लिए। हम क्या कम है बसंतीनी खवातीन से? ठीक कहा ना मैंने? तो तगिन तो बोलेगा मैं तो सब कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ गोपचे, तुम्हारे लिए सब करता हूँ। नोयान को मैं तुम्हारे लिए मारूंगा, मैं सब तुम्हारे लिए करता हूँ। हद है ये, पगला गई है छोरी, ये पगला गई है पक्का। क्या बात है, अर्तुल ला रहे कबीले की तरफ है ना। क्या बात है, तुर्गुत तो देख क्या तगड़ा लगता है ना। एक तो उसकी बॉडी इतनी तगड़ी है, ऊपर से घोड़ा चलाते हुए है ना, बहुत बेहतरीन। नहीं उसका कुल्हाड़ा तो पीछे है, पर वो जब भी आते हैं ना तगड़ा लगता है। जब तुर्गुत यहाँ पे ऐसे कुल्हाड़ा रख के घोड़ा चलाता है ना भाई, क्या लगता है वो, कसम खुदा की बहुत मस्त लगता है। नहीं अभी नहीं आएंगे, शायद दूर है अभी। ये तो अगर नहीं चाहता भी होगा तो भी वैसे ही बोलेगा। अरे ओ हो, क्या बात है।
शाइनिंग मार रहा है। पाँच सौ है ना, बहुत होते हैं। आज से तुम मेरे साथ ही सिपाही हो, अगर हवा भी चले तो उसकी खबर मुझे दोगे तुम। जो वो वाका गुंडों को बेटा, दिल्ली दबी सा। क्या बात है भाई, कोई अहम मसला है क्या? कुछ नहीं तू थके, कुछ नहीं। दिल्ली दमीर साहब एकदम ही चेंज हो गए ना, एकदम मायूस होना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। खुशी चली गई है उनके, हमने अपना जान से अच्छा दोस्त खोया। आ गए ना भाई, ओ स्लोमो ना भाई, मुझे एंड का सीन इसका मतलब जब ये पहुंचेंगे ना भाई, देखना है कि क्या होगा। मुझे तो लगता है अभी ये इन्होंने ना जब इर्तरुल पहुंचेंगे ना वहां पे तब खत्म कर देना है, मतलब हमारा वही मजा उधर ही किरकिरा। क्या स्लोमो में जा रहे हैं जवाब, आपके हुक्म के मुंतजर है सरदार। बहुत शुक्रिया।
आ गए ना भाई एक नंबर यस मजा आएगा अभी बहुत मजा आएगा भाई इसको ठिकाने लगाए ना टुटक इनको ओए हो हो इसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा अभी अपने अर्जुन भाई ए कभी ले आ गए ओ हो क्या एंट्री है भाई कसम से तुर्गुन तो देख और आप बाप कड़क आ गए घुस पम से यार घुस पम देखेंगे कितना हैप्पी चलेगा हरतुरुल भाई आ गए हरतुरुल भाई आ गए सब बोल रहे और राम मौत को मार के आए हैं हरतुरुल भाई अपने क्या बात है ओह क्या बात है यार कसम से मजा आ गया एक नंबर ब्रो मजा आ गया कसम से मजा आ गया सीजन 2 का बेस्ट सीन है ये कबीले में पहली बार आया है हाँ तो तक इन देख किसी को अगर एतराज तो वो सामने क्या बात है या मैन आओ सामने किसको एतराज है कोई तो बोलो बोलती बंद हो गई सबकी अतरुल गाजी जब आते हैं क्या बात है मेरे सरदार जैसे आते ना एकदम सरदार जैसे मस्त बोल रहे हाय मालूम कितनी इमोशनल हो गई ना कसम से जब तुमने इनकी कमान की जिम्मेदारी ले ली है तो मुझे कोई एतराज नहीं एक नंबर आराम करो जाकर
ये सिर्फ एर्थरल भाई का हुक्म मानते और किसी का हुक्म नहीं मानते। सही है, एक नंबर काम है वो, तो तक इनका तो बिल्कुल नहीं मानेंगे वो लोग हुक्म, है ना। अरे यार कसम से बहुत इमोशनल सीन है यार ये। अरे भाई वाओ, बेस्ट सीन हाँ, बेस्ट सीन। हलीमा देखकर मुझे खुशी हो जाएगी। हलीमा सुल्तान अब खारे हो जाएंगे। बहुत अच्छा सीन था यार, कसम से मजा आ गया। अर्थरुल भाई जिंदाबाद। क्या बात है यार, क्या जान भी खुश हो रही। मेरे को यही चाहिए था बस। तो तकिन देखो मुंह उतर गया बेचारे का। ये था हमारा रिएक्शन ऑन ड्रिलिस एर्थरुल सीजन 2 एपिसोड नंबर 10। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था ये। एर्थरुल भाई अपने कबीले में वापस आ चुके हैं। कबीले में आके ही उन्होंने भाई, जब वो कबीले में उन्होंने एंट्री ली ना, घूस पंप्स थे कसम से। इतना मज़ा आया, इतना खुशी हुई, इतना अच्छा लगा। आप ऐसे समझ लो, हमें ऐसे फील हो रहा था कि हम खुद ही कबीले में हैं और उनके कबीले वाले हैं। तो ऐसे फील हो रहा था यार, इतना मज़ा आया ना कसम से, बहुत मज़ा आया। मतलब बेस्ट सीन था मैं तो, मतलब और जैसे उन्होंने आके, एक सरदार जैसे होता है ना, वैसे उन्होंने आके हुक्म दिया। मतलब बोला कि ऐसे कैसे का तुमने मेरे बंदों को बाहर निकाला, है ना, मतलब ये गलत था, जिरका बुलाओ ये वो। भाई क्या डायलॉग थे उनके, कसम से मज़ा आ गया, बस एकदम रापचिक था। यस, मुझे भी बहुत सुबह लगा, उनकी एंट्री जबरदस्त थी। हायमा खानम सभी लोग खुश हो गए थे। एंड अभी वो हलीमे आतुन से मिलने जाएंगे, सो वो कितना खुश है कि देखने वाला होगा। एंड वो नयान ने वो जो टकले को वहाँ पे, मतलब उसको उसको सजा दे रहा है, मतलब कि एर्थरुल को क्यों भागने दिया। उसकी गले की इधर इसने कुछ कुछ तो भी रखा है, काटे रखे दो काटे ऐसे। बेचारा जब सोएगा ना तो उसके ऐसे घुस जाने अंदर, मजा आएगा। हाँ, वो भी देखने वाला होगा कैसा क्या होगा। बहुत ज्यादा अच्छा था, एर्थरुल ने सरप्राइज दिया सबको, कबीले वालों को। एंड हमें भी लग रहा था हम कबीले वाले हैं, वहाँ पे खड़े हैं। एंड इतना अच्छा लगा। ये सीजन 2 का अब तक का ये बेस्ट सीन था मेरे लिए तो। एंड तू तकिन वहाँ पे खड़ा देख रहा था, मुंह मोड़ रहा था वो। एंड फिर कोजा बास भी अलग से रिएक्शन कर रहा था। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। Yes. So guys, thank you so much for watching this video. If you like our video, please like, share and subscribe it. And please don't follow us. What? Don't forget. अरे रुको रुको जरा सबर करो रुको। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।